हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने दावा किया है कि 2024 में उसी पार्टी की जीत होगी जो उनकी 17 मांगों को पूरा करेंगे। भड़ाना ने आज फरीदाबाद में 17 सूत्रीय संघर्ष समिति हरियाणा का शुभारंभ किया। भड़ाना अपनी मांग को लेकर हरियाणा की जनता के बीच जाएंगे। पर्दा उठा और पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना का फ्यूचर प्लान भी सामने आ गया। हरियाणा का हर शख्स शिक्षित, स्वस्थ और नौकरी पेशा हो, मजदूर और किसान खुशहाल हो, इसके लिए करतार सिंह भड़ाना ने एक ब्लूप्रिंट पेश किया। नाम दिया 17 सूत्रीय संघर्ष। और इन्हीं मांगों के साथ करतार सिंह भड़ाना ने हुंकार भरी, कहा जो भी पार्टी उनकी मांगों का समर्थन करेगी वो सत्ता तक पहुंचेगी और जनता सुखी होगी। हर परिवार को हरियाणा का जो निवासी है उसको 1,00,000 रुपए तो उस कंडीशन पे बिजली पे, पानी पे, हॉस्पिटल पे, स्कूल पे जो मेरी डिमांड है उनके साथ 1,00,000 रुपये चाहिए। और अगर उन डिमांडों में कोई दिक्कत आती है, कोई बात होती है तो फिर मुझे 1,25,000 चाहिए रोजगार के लिए। वो 1,25,000 का रोजगार एक परिवार को दे। और जो हमारी तनख्वाह है, जो एक आदमी की जरूरत है, कोई भी मजदूर की मजदूरी 35,000 रुपये से कम होगी। हरियाणा की बेहतरी के लिए करतार सिंह भड़ाना ने कमर कस ली है। वो अपने इन 17 सूत्रीय मांगों को लेकर हरियाणा के घर घर जाएंगे और सभी को अपनी मांगों से अवगत कराएंगे। भड़ाना ने अपने प्लान को पेश करते हुए दावा किया कि 2024 में उसी पार्टी को जीत होगी जो उनकी 17 सूत्रीय मांगों को मानेगी और सम्मति का समर्थन भी उसे ही मिलेगा। पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस मौके पर उन्होंने 17 सूत्रीय संघर्ष समिति हरियाणा का शुभारंभ भी किया। फरीदाबाद से नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज 24।